हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हमारे सामने मौजूद हैं नए गेस्ट मणिकांत। ये जेएनयू के स्टूडेंट हैं और इन्होंने अभी इस साल ही क्रैक किया, 2019 का जो एग्ज़ाम था उसको क्रैक किया। इनका डिपार्टमेंट है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो पूरी प्रिपरेशन रही थी, किस तरह से इन्होंने तैयारी की, कौन से मटेरियल यूज़ किए और किस तरह से जेएनयू का जो एंट्रेंस है उसको क्रैक किया जा सकता है ज्योग्राफी, एमए ज्योग्राफी के लिए। तो वो सारे एक्सपीरियंस जो इनके रहे वो आपके सामने शेयर करेंगे। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। हेलो दोस्तों, मैं मणिकांत, आपका स्वागत है। आप सबसे पहले जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है उसको देखें, उसके बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जहाँ ग्रेजुएशन कर रहे हो वहाँ का अपना जो अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करें। उसके बाद कुछ टिप्स, जैसे आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो ये इस बार तो पूरा ऑब्जेक्टिव पिछला साल से आ रही है। अब पिछला साल का मैं कटऑफ बता दूँ, पिछला जनरल का कटऑफ था 80, EWS का 76, OBC का 76 और SC ST का 70 के आसपास लगभग था। तो आपको तैयारी लगभग JNUEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसके बाद आपको नेट JRF का रिसेंट ईयर क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दूसरी बात कि अब थोड़ा सिलेबस पे आते हैं, तो सिलेबस में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, मैंने ज्योग्राफी को दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मेनली जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जो सबसे ज़्यादा पिछला साल जो क्वेश्चन पूछा था उसमें था जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, ओशियनोग्राफी। अब आप फिजिकल ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जैसे अगर आप किसी एक बुक से सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी बुक है सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी। और उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जैसे रूपा मेड का मेड सिंपल का फिजिकल ज्योग्राफी बुक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत अच्छी बुक है एलन आस्टर का इंट्रोड्यूसिंग टू फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद आ जाते ह्यूमन ज्योग्राफी में, ये जेएनयू में पिछला साल का जो क्वेश्चन था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से था। और ख़ास करके पिछला साल का और पैटर्न मैं बता दूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन एक एक नंबर का था, 1-1 मार्क्स का, एंड 20 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का था। तो जो 2 मार्क्स का था उसमें मैं एक ओवरव्यू में जहाँ तक किया हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 70-80% ह्यूमन ज्योग्राफी से था। और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में भी मोर देन 60% के आसपास ह्यूमन ज्योग्राफी से था। आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में भी मेनली कहाँ फोकस करना है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो पिछला बार जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेटलमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस आप तो और ओवरव्यू करें तो रीजनल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, पोलिटिकल ज्योग्राफी। उसके बाद एक तीसरा सेक्शन आई प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इससे भी कुछ अच्छी क्वेश्चन पूछी गई थी। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आप सबसे अच्छी एस्थेटिक्स जो पार्ट है वो बहुत इजी पार्ट है, और उससे पिछला साल दो नंबर का क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का। तो उसमें आपको सबसे इजी सिलेबस और उससे आपको 100% उसमें आप जो क्वेश्चन आएगी उसको आप बना सकते हैं। तो एस्थेटिक्स का आपको सबसे अच्छा तैयार कीजिए। उसके बाद आइए कार्टोग्राफी, मैप प्रोजेक्शन। इसमें मैं थोड़ा सिलेबस थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूँ कार्टोग्राफी एंड मैप प्रोजेक्शन में। तो ये मैप प्रोजेक्शन मेथड ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशन, कंटूर्स एंड देयर प्रोफाइल, डिटरमिनेशन ऑफ स्लोप एंड ग्रेडियंट, टोपोग्राफिक शीट्स, लाइन एंड बार ग्राफ, आइसोथर्म्स, आइसोबार एंड आइसोहाइट्स, क्लाइमोग्राफ एंड हिप्थोग्राफ, स्टैटिकल मेथड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन, इफिशियंट ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ एसोसिएशन, रिग्रेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एंड एरियल डिस्ट्रीब्यूशन मैप। उसके बाद रिमोट सेंसिंग, आप बेसिक रिमोट सेंसिंग पढ़िए, उससे हालांकि पिछला साल क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन इस बार हो सकती है क्वेश्चन आए। पहले जब सब्जेक्टिव आती थी तो उसमें
कुछ क्वेश्चन जो एक तो सब्जेक्टिव में 5 नंबर का जरूर क्वेश्चन आता था। अब मैं आपको कुछ जो ह्यूमन ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट जो मॉडल्स एंड थ्योरी हैं उसके बारे में बताऊँ, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में माल्थस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, मार्क्सियन थ्योरी और लॉ ऑफ माइग्रेशन। लॉ ऑफ माइग्रेशन में भी कई थ्योरी हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ें। एग्रीकल्चर वो वन थ्योरी है, एग्रीकल्चर रीजन है डिफरेंस। उसके बाद ये ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट, इसमें रोस्टो 5 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मिराडल का है, हर्समन का है, फ्रेडमैन का है, पिरोक्स का है। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वेबर का है और भी कई थ्योरियाँ हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मेनली मैकिंदर स्काइबन, एक सी पावर का एक नया थ्योरी है महान, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। सेटलमेंट में कई थ्योरियाँ हैं, रूरल में सेंट्रल प्लेस थ्योरी, प्राइमेट सिटी और ये अर्बन में लॉस का है लोकेशन मॉडल, कंसेंट्रिक जोन, सेक्टोरल जोन, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी, ग्रोथ पोल थ्योरी, रूरल अर्बन रेंज, कोर पेरिफेरल थ्योरी और भी बहुत सारे थ्योरियाँ हैं। उसके बाद आप ये BHU का सिलेबस जो ग्रेजुएशन का है वो काफ़ी अच्छा सिलेबस है, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। और मैं थोड़ा बुक पर आता हूँ। बुक में सबसे अच्छी बुक सबिंदर सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे एक बुक से ज़्यादा बेनिफिट देगा। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में एलन स्टालर का है इंट्रोड्यूसिंग टू फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद जिसलियों का फिजिकल सर्फटेक फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, एक मेड सिंपल का फिजिकल ज्योग्राफी, ये फिजिकल ज्योग्राफी की बुक हुई है। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी का कुछ स्टैंडर्ड बुक, जियोमॉर्फोलॉजी में सबिंदर सिंह का। उसके बाद और बुक है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थर्ड नंबर, फंडामेंटल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी रिचर्ड हैगेट। उसके बाद ये क्लाइमेटोलॉजी का, तो क्लाइमेटोलॉजी में आप जो भी आपके पास उपलब्ध हो बुक, DS लाल, सबिंदर सिंह। उसके बाद एक और स्टैंडर्ड बुक क्रिसफील्ड का जनरल क्लाइमेटोलॉजी। ओशनोग्राफी आप सिंपल किसी भी फिजिकल ज्योग्राफी बुक से आप पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी आप सबिंदर सिंह बुक से भी पढ़ सकते हैं, या फिर मेड सिंपल का जो बुक है उसमें Part 3 और Part 4 है, या किसी आप ऑनलाइन बायो ज्योग्राफी का नितिन सिंह का नोट्स ये सब भी देख सकते हैं किसी का भी, जब यहाँ से आपको सुविधा। और उसके बाद आइए ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पहला बुक माजिद हुसैन का। उसके ये मॉडल्स इन ज्योग्राफी माजिद हुसैन का सबसे बेस्ट बुक है, कोई अगर ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए तो बुक आप ह्यूमन ज्योग्राफी से करना चाहते हैं तो। दूसरी बुक मेड सिंपल का इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी का RC चंदना या SD मौर्य को भी बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद रीजनल ज्योग्राफी का आप सिंपल कहीं से भी एस चांद का बुक जो है वो पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब से भी कहीं से पढ़ सकते हैं। अब आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बुक के लिए एक RL सिंह का बुक है, एक JP शर्मा का बुक है। JP शर्मा का सबसे बेस्ट बुक है लेकिन वो हिंदी में उपलब्ध है, आपको इंग्लिश में अगर पढ़नी है तो आप RL सिंह का बुक पढ़ें, वो अच्छी बुक है। या आशीष सरकार का भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बुक है। और इंडियन ज्योग्राफी का बुक्स RC तिवारी, RD खोलर और माजिद हुसैन, किसी का भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ चैप्टर RC तिवारी में काफ़ी अच्छे हैं जो शुरुआत वाले हैं। उसके बाद आप RD खोलर का अच्छी बुक है, तो RD खोलर आप पढ़ सकते हैं, ह्यूमन जो ज्योग्राफी जो पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी में उसके लिए ठीक। और स्टैटिक्स के लिए जो बुक है आप कहीं से, आप जो नेट JRF जो बुक है टॉपिक वाइज अरिहंत का पब्लिकेशन का, उसके पहले 4-5 पेज का जो नोट्स उससे भी पढ़ सकते हैं आप, सिंपल यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। या मैथमेटिकल एस्थेटिक्स एक बुक है AC गुप्ता का, उसका 2रा और 3रा चैप्टर पढ़ लीजिए, 3रा चैप्टर का कुछ पार्ट, वो अच्छी बुक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज सबसे अच्छी बुक है अरिहंत पब्लिकेशन का नेट JRF का बुक, प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक वो टॉपिक वाइज है। वो आपको शॉर्ट रिविजन के लिए भी काफ़ी अच्छी है, आपको जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी का 5-6 पेज का नोट्स है वो आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए काफ़ी है। रिमोट सेंसिंग के भी आप में भी उसमें होगा तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या कहीं से आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और मैं थोड़ा यूट्यूब आता हूँ, यूट्यूब में आप तेजवीर राणा का इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी है, खास करके इंडियन में फिजिकल ज्योग्राफी। आप CAC UGC का कुछ वीडियो अच्छी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 5-6 वीडियो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आप विद्या मित्रा का काफ़ी ज्योग्राफी का ये ज्योग्राफिकल थॉट और बहुत सारा वीडियो है, आप उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो हैं, जहाँ से आपको कन्विंट लगे, जहाँ से आपको समझ है, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा बता दूँ कि
इस बार जो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगी, और आप हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में पढ़े, लेकिन मीडियम जो क्वेश्चन का रहेगा वो सिर्फ इंग्लिश रहेगा। और ये मे भी हो सकता है कि पिछला साल की तरह ही कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहे, या ऑल क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहे, ये इस साल डिपेंड हो सकती है। और क्वेश्चन NTA सेट कर रहा है, और जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना नहीं जानते हैं तो आप पहले कुछ वीडियो उसको देख ले, आप अच्छे से उसका आप तैयारी कर ले, या मे बी JNU के साइट पे एक मॉडल सेट होगा, आप वहाँ से आप ये कर सकते हैं। हम लोग का पिछला साल ये था कि एक मॉडल सेट था, हम लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर लिए थे। और उसके बाद मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने जो अपना, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो वहाँ से मैंने जो अपना अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस पढ़ा, कुछ फॉरेन राइटर्स का बुक जो था वो पढ़ा, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, JNU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NET JRF का क्वेश्चन। उसके बाद जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई ऐसा होता था कि जो वर्ड जो हमको नहीं मालूम है, उस वर्ड को मैं जो डिक्शनरी है, फिजिकल ज्योग्राफी का डिक्शनरी, ह्यूमन ज्योग्राफी का डिक्शनरी, उससे मैं देखता था। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का डिक्शनरी और ह्यूमन ज्योग्राफी का डिक्शनरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारा वीडियो देखा था, बुक पढ़ने से ज़्यादा मैं यूट्यूब से तैयार किया था।